ए चल उठ। आपने व्रत कथा में सावित्री और सत्यवान की कहानी तो सुनी होगी ना, जिस तरह वो अपने पति को यमराज के पास से वापस ले आई थी, उसी तरह आज नील की जान बचाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मामी जी क्या कर रही हैं आप? ये चाहत का व्रत तोड़ने के लिए आपको ये हथकंडे अपनाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी अब चाहत का व्रत खोलने का समय आ गया है। चाहत के निर्जल व्रत की तपस्या में इतनी शक्ति थी कि मुझे गंगा मैया के गहने मिल गए। जानना है आपको कहां मिले मुझे गहने? मंदिर के पीछे सांप के बिल में। सांप के बिल में? लेकिन नील ये गहने सांप के बिल में कैसे पहुंचे? मैं तो नहीं जानता किसका काम है, लेकिन इससे यह साबित होता है कि मेरी चाहत चोर नहीं है। हम ये क्यों नहीं समझते कि हमें कौन से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि कितनी श्रद्धा से करनी चाहिए, और इसी श्रद्धा ने मेरी चाहत को निर्दोष साबित किया है व्यास जी। श्रद्धा ने नहीं। नील, स्नेक बाइट। नील, सांप ने कैसे काटा आपको? चाहत, अगर आज मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं है। मुझे खुशी है मैंने अपनी चाहत के दामन पर दाग नहीं लगने दिया। चाहत, मेरा मर जाना ही बेहतर है। नहीं, मेरे कुर्बान होने के बाद ही इन लोगों को समझ में आएगा कि सच्चा प्यार धर्म धर्म और जात के परे है। सुराजी, कुछ नहीं होगा नीलकंठ को, लेकिन अगर आपने हमारे ढोंग का खुलासा इन सब के सामने कर दिया ना, तो नीलकंठ का विश्वास अब पर से हमेशा के लिए उठ जाएगा और इस मुसलमान लड़की पर आ जाएगा। नीलकंठ वापस तो आ जाएगा सुराजी, लेकिन लेकिन आप नीलकंठ से दूर हो जाएंगे। मामी, मामी प्लीज घबरा दीजिए ना, पॉइजन को बॉडी में फैलने से रोकना है। नील प्लीज अपनी आंखें खोलिए। ए चल उठ, तुझे हमारे नीलकंठ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रमुख जी, डॉक्टर साहब को फोन लगाइए। मामी, अगर आपको मेरी मदद नहीं करनी तो मत कीजिए, लेकिन मुझे नील की जान बचाने से कोई नहीं रोक सकता। आपने व्रत कथा में सावित्री और सत्यवान की कहानी तो सुनी होगी ना, जिस तरह वो अपने पति को यमराज के पास से वापस ले आई थी,
उसी तरह आज नील की जान बचाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मेरे आड़े आने की जरूरत भी मत करना मामी आप। नील, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता, समझे आप? नील, क्या जरूरत थी आपको शाम के बिल में हाथ डालने की? और अगर आज आपको कुछ हो जाता तो फिर मेरा जो होता वो होता, लेकिन तुम पर इल्जाम नहीं लगने देता। मैं तुम्हें बेइज्जती से बचाने के लिए मैं तुम पर हजार बार हंसते हंसते कुर्बान होने को तैयार हो चाहा। कबर दासा, दोबारा ऐसी बात अपनी मुंह से निकाली तो कुर्बान हुआ तुम जानते नहीं हो क्या नीलकंठ को? अपनी बुआरी को बेगुनाह साबित करने के लिए वो किसी भी सीमा को पार कर सकता है, लेकिन आज अगर उसकी बुआरी नहीं होती तो मेरा नीलकंठ मेरी इस चाणक्य की नीति का केवल एक ही उद्देश्य था, अपने बेटे को धर्म का अपराधी होने से रोकना। लेकिन तुम लोगों के षड्यंत्र अगर मेरी बेटी के जान के दुश्मन बन जाए, मुझे इस चाणक्य नीति को यहीं समाप्त करना होगा। स्वराज, ये सारा शहर हम पर असर है, लेकिन हमें नीलकंठ को उस नागिन से अलग करना ही होगा। मैं नीलकंठ को उसकी बुआरी से केवल इसलिए दूर करना चाहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं अपने धर्म से दूर रहकर वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। मैं नहीं चाहता कि उसे किसी प्रकोप का सामना करना पड़े, लेकिन अपने ही बेटे को पीड़ा देना ये भी तो धर्म के विरुद्ध है। हाँ, मैं मानता हूँ स्वराजी कि हमसे गलती हुई है, लेकिन हम कोई और रास्ता अपनाएंगे ना। लेकिन नीलकंठ और चाहत को अलग करके रहेंगे बस। ओ नहीं 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 नहीं, बच्चों का बिहेव क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपको सांप ने काटा है तो मुझे आपको एंटी वेनम इंजेक्शन लगाने दीजिए। बिल्कुल भी नहीं नील, जा तुम भावनाओं को समझो यार, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, मेरी जान चली जाएगी। मैं इंजेक्शन नहीं लगवा। नील, ये क्या तरीका हुआ? आपको तो एक पल भी नहीं लगा हीरो से जीरो बनने में, आइए इंजेक्शन लगाएं। नहीं, तुम्हें मुझे जो बोलना है बोलो, हीरो जीरो डफर, लेकिन ये इंजेक्शन नहीं लेने वाला मैं। नहीं 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 चल प्लीज। नील, मेरी बात सुनिए नील। अरे इधर आइए। अच्छा, एक काम करिए, मेरी तरफ देखिए। नहीं, एक बार मेरे लिए। नील, आप जानते हैं मैं बहुत डर गई थी, आपका साथ पाना, जिंदगी भर आपके साथ बिताना, ये तो एक ऐसा ख्वाब है जिसकी उम्मीद करनी मैंने छोड़ ही दी थी। पर आपको पता है मैंने बहुत ही नेक काम किए होंगे, तभी तो अल्लाह मियां ने आपको मेरी झोली में डाल दिया। नील, वैसे हो ही क्यों ना, आप इतने प्यारे हैं, इतने अंडरस्टैंडिंग हैं और इतने हैंडसम भी। बहुत हैंडसम हूं ना मैं, और नहीं तो क्या? कोई भी लड़की नील आपको देखेगी ना तो आपकी इन सुंदर आंखों पर लट्टू हो जाएगी। तुम्हारी बातें सुन के मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि हीरो तो मैं ही हूं,
और हीरो थोड़ी ना इंजेक्शन से डरता है। तुम्हें इंजेक्शन लगाना है? ये लो, लगाओ। तुम भी क्या याद रखोगी? Come on। याद तो आप करेंगे कि डॉक्टर चाहत बेग ने आपको इंजेक्शन लगा भी दिया और मिस्टर नीलकंठ भट्ट ध्यानी को पता भी नहीं चला। अरे यार शेजवान, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, ये इंजेक्शन लग गया और पता भी नहीं चला। नीले, एक सीरियस बात कहूं, मैं आपके बिना जी नहीं सकती। अगली बार अपनी जान को खतरे में डालने से पहले प्लीज ये सोच लीजिएगा कि मेरा इस दुनिया में आपके अलावा और कोई नहीं है। चाहत, एक बात बोलो, तुम्हारे बिना जीने के ख्याल से मैं भी डर उठता हूं, लेकिन अगर चाहत तुम पर हाथ भी आई ना तो तुम्हारी रक्षा करते हुए हंसते हुए कुर्बान हो जाऊंगा मैं। सिर्फ अलाटे, अंदर डॉक्टर साहब आए हैं, बुला रहे हैं। व्यास जी के पैरों ने काम करना बंद कर दिया है, पता नहीं क्यों इनकी नब्ज में रिकवरी ही नहीं है। डॉक्टर साहब, जो मेरी पत्नी है ना, वो खुद भी एक डॉक्टर है, मैं उनको बुलाकर लेकर आता हूँ, हो सकता है वो आपकी मदद करें। रुक जा, दूसरे धर्म के डॉक्टर से चिकित्सा लेने से बेहतर है मैं सारा जीवन अपाहिज बन के रहूँ। कैसी बातें कर रहे हैं व्यास जी, कुछ नहीं होगा आपको। डॉक्टर साहब, कोई दूसरा रास्ता होगा ना प्लीज। एक तरीका है, इन्हें इम्यून ग्लोबुलिन का इंजेक्शन लगाना होगा, लेकिन उसमें खर्चा काफी जाएगा, लगभग 15 लाख रुपए तक जाएगा। 15 लाख? डॉक्टर साहब, 15 लाख तो हमारे पास नहीं है, हमारे सारे बैंक अकाउंट भी रद्द कर दिए और परिस्थिति ऐसी है कि कोई हमें कर्ज भी नहीं देगा। मैं समझ सकता हूँ प्रमुख जी, लेकिन सॉरी टू से, अगर 10 दिनों के अंदर इनका इलाज नहीं करवाया तो शायद ये कभी जिंदगी में चल नहीं पाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर, आखिर नीलकंठ आपके जासे में आई क्या? अच्छा, मैं चलता हूं, धन्यवाद। कहीं ये नीति सफल नहीं हुई तो? बिल्कुल करेगी स्वराजी, नीलकंठ के पास अपने पिताजी के इलाज के लिए पैसे नहीं है, और ये सब इसलिए हो रहा है स्वराजी क्योंकि नीलकंठ एक पराये धर्म की लड़की से प्यार कर बैठा। वो वहां पर डॉक्टर की नौकरी करेगी और नीलकंठ, जिसे पैसे की सख्त जरूरत है, वो बेकार बैठा है। अब आप देखिएगा सुराजी, कैसे ये प्यार नफरत में बदलता है। सुनचुरी, नील की जान बचाने के लिए मैं तुझे धन्यवाद कहना चाहती थी। मामी, आप इतनी चौंक क्यों रही है? भांजा है मेरा, कभी
कभी कभी कठोर हो जाती हो लेकिन प्यार करती हो उससे, इसलिए चिंता करती हो उसकी। उसने दूसरे धर्म के छुआरी के साथ ब्याह तो कर लिया लेकिन तू हमारी रीति रिवाज नहीं जानती ना, इसीलिए हमारे नीलकंठ को ही सारे प्रकोप सहने पड़ते हैं। देखा ना तूने कैसे बार बार उसकी जान पर पन आती है। क्या मतलब मामी, ऐसे कौन से रीति रिवाज है जो मैं नहीं निभाती जिसकी वजह से नील की जान पर बनाती है? एक हो तो गिनवाओ ना, तो गले में मंगलसूत्र पहनती है ना मांग में सिंदूर। अरे हम हिंदू औरतें ये सजावट के लिए नहीं पहनती है, मांग में सिंदूर गले में मंगलसूत्र अरे सुहाग की रक्षा करते हैं। तू तो हमारे रीति रिवाजों को नहीं मानती लेकिन तूने ब्याह तो एक हिंदू धर्म के लड़के से किया है ना, और तू उसकी जान की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं करती है। पता नहीं मेरे लाटे को ये कौन कौन सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुझसे कोई अपेक्षा भी नहीं करती। भले ही तूने हिंदू धर्म के लड़के को पति के रूप में स्वीकार कर लिया हो, भले उसकी जान पर खतरा मंडरा रहा हो, लेकिन तू हमारे रीति रिवाजों को तूने अपनाएगी ना, जिससे उसकी जान बच सके। अब तो भगवान ही मेरे बच्चे की रक्षा करेगा। अल्लाह मियां, क्या सच में मंगलसूत्र पहनने से या मांग में सिंदूर भरने से नील की हिफाजत हो सकती है? लेकिन नील ने तो मुझे मना किया है कि मैं ऐसा कोई भी रीति रिवाज ना अपनाऊं जिसकी इजाजत मेरा मजहब ना देता हो, और अगर मैंने मंगलसूत्र पहन भी लिया, मांग में सिंदूर भी भर लिया और फिर नील मुझसे खफा हो गए तो फिर? अल्लाह मियां, मैं क्या करूं? आप ही कोई ऐसा इशारा कर दीजिए ना जिससे मेरी हेल्प हो जाए। गोलू, 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 क्या हुआ? रो क्यों रही है? तू मुझे बहुत मिस करती है ना? मैं भी तुझे बहुत मिस करती हूँ। हम घूमे घूमे करेंगे, हम घूमे घूमे करेंगे, हम घूमे घूमे करेंगे। अब तुझे अकेले बिल्कुल भी नहीं सोना पड़ेगा। एक ना एक दिन हम दोनों साथ में होंगे, फिर हम दोनों साथ में सोएंगे। हेलो, आप सर मैं नीलकंठ भट्ट ध्यानी बोल रहा हूँ सर। जी मैं आया था ना सर आपके पास वेटर की नौकरी के लिए, मैंने मना कर दिया था। जी मुझे वो नौकरी चाहिए। एक्चुअली मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है और पैसों की ज़रूरत है मुझे। जी आपका बहुत बड़ा उपकार होगा मुझ पर अगर आप। जी थैंक यू सो मच। भगवान करे मैनेजर साहब मुझे एडवांस में तनख्वाह दे दें। बात करके देखता हूँ उनसे, कुछ भी करके 10 दिन में व्यास जी के लिए मुझे वो 15 लाख वाला इंजेक्शन का इंतजाम करना है। काले मोती, मांग में सिंदूर गले में मंगलसूत्र मेरी सुहाग की रक्षा करते हैं। मंगलसूत्र में भी तो काला ही मोती होते हैं ना?
कहीं ये सरस्वती दी का इशारा तो नहीं है कि नील की हिफाजत करने के लिए मुझे ये मंगलसूत्र पहनना चाहिए। नील के घर वालों को ऐसा लगता है कि ये काले मोती शोहर की हिफाजत करते हैं। और अल्लाह मियां, मुझे नहीं लगता कि एक सेवर पहनने से आपकी शान में गुस्ताखी होगी। तुम्हारे बिना जीने के ख्याल से मैं भी डर उठता हूं, लेकिन ज्यादा अगर तुम पर आंच भी आई ना तो तुम्हारी रक्षा करते हुए हंसते हुए कुर्बान हो जाऊंगा मैं।